आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर किसी दिन पुलिस ये कहे कि अगर आज कोई भी रेड लाइट तोड़ेगा तो हम उसको जेल में डालेंगे, उस दिन रेड लाइट तो कोई नहीं तोड़ता लेकिन लोग ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने लग जाते हैं और उस दिन कई एक्सीडेंट हो जाते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। अब जितना नुकसान उस दिन रेड लाइट न तोड़ने की वजह से हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से जो एक्सीडेंट हुए उनकी वजह से हो गया। आज ऐसा ही कुछ भारत में और अन्य देशों में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। COVID-19 की प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, पूरे विश्व में हुआ था कुछ देशों को छोड़कर। और इस COVID-19 की प्रॉब्लम में जो जगह जगह ऐसे जो न्यूज़ आ रही है, जो कंप्लेंट आ रही है, वो ये आ रही है कि हॉस्पिटल्स में और बीमारी के मरीजों को एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा है। इस बात से आप कितना ही मुंह मोड़ ले, लेकिन हॉस्पिटलों में किसी और बीमारी को लेकर अगर आदमी पहुंचता है कि अगर उसको कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसको एडमिट भी नहीं किया जा रहा। ये हालात है, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम सरकार कुछ भी कहे। इसके काफी वीडियोस हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं और इसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। तो सोच कर देखिए कि रेड लाइट तो तोड़ी नहीं लोगों ने, कोरोना की प्रॉब्लम तो है लेकिन मर किसी और बीमारी से रहे हैं, ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो वो नुकसान कितना है और उसकी भरपाई कौन करेगा? यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल, इसने एक स्टडी की है, इसने ये बताया है ये जो COVID-19 कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है इसमें भारत में इस जो है प्रॉब्लम के दौरान इस महामारी की वजह से सिर्फ भारत में ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से 95,000 मौतें होंगी। सोच कर देखिए अभी तक कोरोना की वजह से भारत में 16,500 मौतें हुई हैं और इसकी वजह से सिर्फ टीबी की बीमारी की वजह से इस दौरान 95,000 मौतें होंगी। ये स्टडी मेरी नहीं है, यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल की है। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है 95,000। अगर हम टीबी की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भारत में हर साल लगभग 5 लाख मौतें होती हैं। इसका मतलब हर रोज 1300 से ज्यादा मौतें भारत में सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती हैं, जो अब भी हो रही हैं और अब कहीं ज्यादा हो रही हैं क्योंकि लोग जो है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। भारत सरकार डॉट्स थेरेपी चलाती है, ये 6 से 8 महीने की ट्रीटमेंट होती है जो हर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को दी जाती है। अब ये कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, ढंग से नहीं दी जा पा रही है लोगों को क्योंकि एंटरटेन ही नहीं हो रहे हैं मरीज इसके। और ये सिर्फ एक बीमारी का डाटा है, सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कोरोना के दौरान 95,000 मौतें होंगी। तो सोच कर देखिए और बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, दिमाग की बीमारियां और जो है बीमारियां हैं और ऑर्गन फेलियर्स हैं, किडनी की डिजीजेज हैं जिनकी वजह से हर रोज मौतें हो रही थी, वो कहाँ जाएंगे? वो भी लोग दम तोड़ रहे हैं लेकिन अभी उसका कहीं भी स्टैट्स में कोई भी जिक्र नहीं है क्योंकि सबसे ऊपर टॉप पर कोरोना चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट कोरोना की चल रही है इसलिए सिर्फ कोरोना कोरोना हो रहा है। थोड़े दिन बाद ये बीमारी भी इनकी तरह बन जाएगी, तो जैसे इनके आंकड़े आते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से 5 लाख मौतें होती हैं हर साल भारत में, वैसे ही कोरोना भी जुड़ जाएगा। तो वो व्यक्ति वो मरीज क्यों सफर कर रहे हैं इस समय और उन पर ध्यान कौन देगा, उनकी जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि न तो सरकार जिम्मेवारी ले रहा है, न हॉस्पिटल्स जिम्मेवारी ले रहे हैं, न डॉक्टर्स जिम्मेवारी ले रहे हैं, कोई भी उनकी तरफ ना कोई ध्यान दे रहा है ना कोई जिम्मेवारी ले रहा है। हमें एक और बात को समझना होगा कि समस्या कितनी बड़ी है। अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए, अपने गांव में देखिए कितने लोग कोरोना की वजह से मरे। खैर ये को दूसरा ही विषय है, किसी और पर डिटेल में बात करूंगा। पहले भी मैं कुछ कुछ विषय ये उठाता रहा हूं जिसमें हमारी वीडियो भी डिलीट हुई है, ब्लॉक भी हुई है। अब इस दौरान अलग अलग समस्याएं भी आ रही हैं। एक तरफ जहां जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो है बैन किया जा रहा है, कंपनीज उन आयुर्वेदिक कंपनियों पर एफआईआर हो रही है जो क्लिनिकल ट्रायल के साथ जो है इस कोरोना की समस्या का जो है इलाज बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के ड्रग्स को परमिशन दी जा रही है। फैबी फ्लू जो एक नया ड्रग है जिसकी ट्रायल की अनुमति दी है, जो न्यू ड्रग लॉन्च कहकर अखबारों में न्यूज आ रही है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है और उनको अनुमति दी जा रही है।
अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी नहीं पता है कि फैबी फ्लू का क्या असर है जब उसको कोरोना की प्रॉब्लम में कोरोना के मरीज को दिया जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन किसी को क्या पड़ी है, सरकार परमिशन दे रही है क्योंकि पीछे लॉबी इतनी बड़ी है। ये कभी भी बाज नहीं आने वाले, हमें ही समझना होगा कि चीजें चल क्या रही हैं, खेल चल क्या रहा है, और हमें ही उसको समझकर ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या ठीक है। क्योंकि अभी तो इन्होंने पेंडेमिक का नाम लेकर ये भी बंदिशें लगा दी हैं कि आप इलाज हमारी मर्जी से ही करवा पाएंगे। आरटीआई भी लगी है कि क्या और किसी पद्धति से इलाज किया जा सकता है, अगर व्यक्ति चाहे, अगर मरीज चाहे, तो वो भी अब सरकार अलाव नहीं कर रही है। आने वाला समय ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आपको इंजेक्शन दिए जाए, वैक्सीन दी जाए, जिनका क्या दुष्प्रभाव हो किसी को कुछ नहीं पता हो। मुझे लगता है ये हमें समझना होगा ताकि हम समस्या की गंभीरता को समझे। सोचकर देखिए, 95,000 का आंकड़ा सिर्फ एक बीमारी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मौत का आंकड़ा कम नहीं होता। और ऐसी ऐसी न जाने कितनी बीमारियां हैं जिनके दौरान कोविड-19 की ये जो समस्या आई है, इसकी वजह से ये मौतें और आंकड़े बढ़ रही होंगी। कोविड-19 का आंकड़ा अभी तक 16,000 के आसपास ही है, और बीमारियों की वजह से जो आंकड़ा है वो बहुत ही बड़ा है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिसर्चेज हैं, जो मेरा उद्देश्य था कि आपके सामने लाऊं ताकि आप गंभीरता को समझे, ताकि असली समस्या को समझे कि असली समस्या क्या है। बाकी मैंने अपना काम कर दिया है, आप भी अपना काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।